एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स अर्पिता। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय डे इन माय लाइफ व्लॉग। सो यस, मैंने पहले भी ऐसी वीडियोस बनाई है, लेकिन तब की बात और अब की बात कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आप लोगों को पता है, आफ्टर ए बेबी बहुत कुछ चेंज हो जाता है। सो मुझे लगा कि ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन यस, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जो है आ चुका है अभी, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोती हूँ। पहले जो है मैं रात भर नहीं सोती थी, यस आई अग्री, लेकिन तब मैं फ़ोन देखती थी, लेकिन अब जो है मैं अपनी बेबी को देखती हूँ, क्योंकि वो नहीं सोता है, लाइक कम्प्लीटली रात भर वो जगता रहता है और पता नहीं वो खेलता रहता है। सो रात भर मैं उसके साथ नाइट शिफ्ट करती हूँ और दिन भर वो सोता रहता है, लाइक यस अभी वो सो रहा है और कम्प्लीटली सुबह हो जाता है तो वो सो जाता है। सो अभी वो सो रहा है एंड जब सुबह हो जाता है तो मैं लग जाती हूँ अपने काम में, जैसे कि मेरी वीडियो शूट हो गया, एडिटिंग हो गया, अभी मुझे बाहर जाना हो या फिर पार्लर जाना हो, शॉपिंग करना हो, सब कुछ मैं दिन में करती हूँ, क्योंकि तब वो सो जाता है और रात को मैं उसके साथ नाइट शिफ्ट करती हूँ। इस चक्कर में मैं थोड़ा सा जो है कम रेस्ट कर पा रही हूँ, लाइक ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बाकी सब कुछ मुझे लगा कि इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन रेस्ट इज लाइक मस्ट हैविंग थिंग, क्योंकि उसके बगैर जो है दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके उतना सो जाऊँ। सो अभी मुझे जाना है पार्लर, क्योंकि मैंने थ्रेडिंग 4 मंथ से पार्लर में नहीं करवाई है, लाइक फेब्रुअरी से नहीं करवाई है, घर पर ही मैं करती थी, लाइक रेजर से आप लोगों ने देखा होगा वीडियो। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि मुझे पार्लर जाना चाहिए, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, मैं इरिटेट हो चुकी हूँ घर पे कर करके। सो मुझे पार्लर जाना है बस, और मुझे जाके थोड़ा सा आईब्राउज एंड अपर लिप्स वगैरह करवाना है, और करके मैं फिर आती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि वो अभी सो रहा है। सो ये काम हम फटाफट करते हैं, ठीक है। तो मैं आईब्राउज करके आ चुकी हूँ एंड आप लोगों को पता नहीं कैसे लग रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यस, इतने दिनों के बाद मेरे आईब्राउज जो है थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। एंड उसके बाद अभी मैं लंच करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। मैं सुबह सिर्फ 2 अंडा, लाइक बॉयल्ड एग्स एंड कोकोनट वाटर ली थी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा व्हाट आई ईट इन अ डे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि मैं क्या खाती हूँ, अभी वही कंटिन्यू है। लेकिन आज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, इसके बाद मुझे देखना है कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ आफ्टर माई प्रेगनेंसी, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आप लोगों को पता है प्रेगनेंसी में सब जो है वेट गेन करते हैं, तो मैंने कितनी करी है वो आज पता चलेगा। यस, मैं कोई वेट लिफ्टिंग मशीन पे नहीं देखूंगी, मैं अपने पुराने जीन्स जो है वो ट्राई करूंगी और देखूंगी वो मुझे आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि लाइक 7 मंथ से मैंने जीन्स नहीं पहनी है, 7 मंथ से मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रॉक एंड ये सब कुछ लूज ड्रेसेस पहनती थी। सो फाइनली टाइम आ गया है कि मैं जीन्स पहनूंगी, और मैंने कुछ टॉप्स, न्यू टॉप्स भी परचेस करी है। आप सब कुछ ट्राई करेंगे, देखेंगे कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। ओके, मैं खा के मिलती हूँ आप लोगों के साथ आफ्टर लंच। ओके गाइस, सो लेट मी शो यू वन थिंग, ये जो हाई वेस्ट जीन्स देख रहे हो जो कि मैंने अभी पहनी हुई है, ये मैंने ऑर्डर करी थी बिफोर लाइक 9 to 10 months फ्रॉम मिंत्रा। ये कम्प्लीटली न्यू जीन्स है, और इस तरीके की ब्लू कलर की जीन्स भी मैंने ऑर्डर करी थी। सो साइज जो भी था वही है सेम, लेकिन मुझे अभी भी फिट आ रहा है, लाइक आई एम सुपर डुपर हैप्पी अबाउट इट, यू कैन सी। ओके गाइस, सो आई एम बैक। एक्चुअली लॉन्च करने के बाद मैं एकदम सो गई थी, उसके बाद मुझे याद आया कि मैं ब्लॉग बना रही थी एंड ओके आई एम बैक। और ये वाला जो टॉप आप देख रहे हो, ये मैंने ऑर्डर करी थी मैक्स फैशन इंडिया से, और बिफोर लॉकडाउन, जो कि मुझे अभी रिसीव हुआ है। और ये टॉप कुछ ऐसा लगता है, काफ़ी अच्छा प्रिंट है, मुझे इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा। और 2 टॉप भी मैंने ऑर्डर करी है, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। अगला वाला जो टॉप है वो ये है, लेट मी शो यू। और इसका बैक साइड कुछ इस तरीके से वर्क किया हुआ है, और ये टॉप काफी खूबसूरत है, लाइक इसका प्रिंट कुछ डिफरेंट है, लेट मी शो यू। काफी अच्छा लगा इसका प्रिंट, जो एनिमल प्रिंट होता है ना, उस तरीके की है। दूसरा वाला टॉप है वो ये है, एंड दिस टॉप इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इस कलर के बहुत सारे टॉप्स मेरे पास है, तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं ये ऑर्डर करूँ या नहीं। लेकिन ये जो नेक पैटर्न आप देख रहे हो ना, मुझे ये नेक पैटर्न काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक लूज भी कर सकते हो एंड टाइट भी कर सकते हो, सो इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर करी है। सो मैं यहाँ पे कैमरा सेट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखानी है, कैन यू सी दिस,
ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हमारे घर पे सब कुछ पैकिंग अभी चल रही है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 days के अंदर ही हम ये घर जो है वो छोड़ने वाले हैं. सो सब कुछ पैक हो रहा है, लेकिन मेरे जो मेकअप सामान है वो अभी तक पैक नहीं हुआ है, क्योंकि टूटने के डर में कोई भी मेरे मेकअप सामान पे या फिर कोई कुछ भी सामान पे हाथ नहीं लगाता है. सो आज मुझे अपने मेकअप सामान को खुद पैक करनी है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे सारे के सारे मेकअप ब्रशेस एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स क्लीन करनी है. ओके गाइस, सो ये जो 3 bags आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 3 bags इनमें मैंने सारा का सारा सामान भर लिया है. लाइक ये वाला बैग में मैंने अपनी सारा का सारा मेकअप सामान, और ये 2 bags में ड्रेसेस, जो भी ड्रेस मैं लाई थी यहाँ पे, सो वो सब कुछ मैंने पैक कर ली है. सो बेसिकली ये 3 bag में सारा का सारा मेरी सामान है, और ये काम हो चुका है. यस. दीज आर ऑल माई न्यू नेल पॉलिशेज, जिसका हालत आप इस तरीके की देख रहे हो. मुझे इसे क्लीन करना है एंड थोड़ा सा नेल पॉलिश भी लगानी है. कैन यू सी मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं? लाइक 4 months से मैंने नेल पॉलिशेज वगैरह नहीं लगाई है, सो कुछ ना कुछ तो मैं लगाऊंगी अभी. एंड येस, दीज आर माई नेल पॉलिशेज कलेक्शन. एंड मैंने ये रेड कलर की नेल पॉलिश लगाई हुई है, और मैंने लगाई है ये वाला लिपस्टिक TS कॉस्मेटिक्स का इन द शेड वेरी सीक्रेट. इट इज़ अ रियली लाइक नाइस रेड कलर, एंड यू कैन सी इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल. सो लेट मी शो यू समथिंग, कैन यू सी दिस? ये डॉक्टर फिजियो का है मसाजर, जो कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे ऑनलाइन सेंड करे, क्योंकि एक्चुअली आफ्टर डिलीवरी मेरे जो बॉडी है स्पेशली लाइक लोअर पार्ट बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं, और मेरी मम्मी जो है प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मसाज कर देती थी, लेकिन अब मुझे उनके हाथ जो है बिल्कुल भी लाइक लगता ही नहीं है, मतलब नहीं लगता है कि मसाज हुआ है. सो फाइनली ही ऑर्डर्ड इट फॉर मी. सो गाइज, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये मैंने आज ही शूट करी है, एंड आज ही मैंने एडिट करी है अभी बैठ के, एंड अभी मैं अपलोड कर रही हूँ लाइक रात को. एंड यस, ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, मतलब जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक ये वीडियो अपलोड हो चुका होगा. सो जस्ट चेक दैट वीडियो आउट. एंड यस, सब कुछ शेयर करनी है. कैन यू सी माई फेस? मैंने अभी कुछ भी मेकअप वगैरह नहीं ली है. लेट मी शो यू. सो ये मेरी बेयर फेस है, सिर्फ मैंने एक लिपस्टिक लगाई हुई है. बट ये एरिया जो है आप नोटिस करो, मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी. जिन्होंने मेरे पहले वीडियोस देखी है या फिर नहीं देखी है, ये पिक्चर देख लो कि इस एरिया में मेरी बहुत ज़्यादा हाइपोपिगमेंटेशन होके रखी थी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी. बट ये चार पाउडर आप पीछे देख रहे हो ना, ये मुझे ब्रांड वालों ने सेंड करा है, तो मैं अभी कुछ रिवील नहीं कर रही हूँ उनके बारे में, लेकिन वो जो है मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, एंड उन्हें यूज़ करके मेरी जो हाइपोपिगमेंटेशन थी वो एकदम कम हो चुका है. सो यू कैन सी एक्चुअली बहुत कम हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ. गाइस, दैट्स इट फॉर माय टुडेज ब्लॉग. आई होप कि ये ब्लॉग कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. मैं मिलती हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ विद अ न्यू कंटेंट. टिल देन बाय.